फाइनली हम लोग आते हैं बानलाता रिसॉर्ट। तो गाइस ये है कोयल बर्ड। क्योंकि धीरे धीरे जो है ठंड भी बढ़ रही है और रात भी हो रही है। Welcome back with another video. This is Subhasis Mallick and you are watching Asansol City of Brotherhood YouTube channel. So guys, अभी मैं हूँ अपने गांव पर और guys, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको previous video में बताया guys, मेरा गांव कैसा है और मैं कैसे यहाँ पर आया। So जैसा कि मैंने आप लोगों को promise किया था कि मैं आप लोगों को लेके चलूँगा बानलाता resort, क्योंकि काफ़ी लोग tourist खास करके bikers कोलकाता रांची आसनसोल से यहाँ पर आते हैं, जो कि मेरे गांव के बिल्कुल ही नज़दीक है। यहाँ से लगभग 5 या 6 किलोमीटर होंगे। तो मैं आप लोगों को गाइस वहीं पर लेके चलूँगा, क्योंकि आज हम लोग वहीं पर ही लंच करेंगे। और गाइस मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि एज अ टूरिस्ट प्लेस वो कैसा है, रिसॉर्ट कैसा है, रहने के लिए कैसा है, प्राइस वगैरह कैसा है, खाने का क्वालिटी कैसा है, खाने का प्राइस क्या है, ये सब गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सो लेट्स गो। और गाइस आपको मेरा गांव कैसा लगा ये भी गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। इससे क्या होगा कि मैं आपको अपने गांव के और भी कुछ चीज़ें आपको दिखा पाऊंगा जो आपको देख के अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ कमेंट। तो गाइज ये है उपेन। इससे पहले भी हम लोगों ने जब जयपुर फॉरेस्ट को एक्सप्लोर किया था तो ये मेरे साथ था। तो आज हम लोग फिर चलेंगे जयपुर, मगर इस बार हम लोग फॉरेस्ट नहीं चलेंगे, जाएंगे बानलाता रिसॉर्ट और हम लोग खाना है गाइज, क्योंकि आज मैंने लंच नहीं किया, शायद इसने कर लिया होगा, इसने कर लिया तो मैंने नहीं किया, तो इसको मैं साथ में लेके जाता हूँ। और भी दोस्त हैं हमारे, हम लोग साथ में चलेंगे आज बानलाता रिसॉर्ट। आज का लंच जो है गाइज वहीं पर होगा और करते हैं एक अमेजिंग फूड ब्लॉग। ये गाइस हम लोग निकल चुके हैं बानलाता रिसॉर्ट के लिए और साथ में मैंने एक हुडी ले लिया, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। शाम होते ही गाइस यहाँ पर शाम को बहुत ज़्यादा फॉग हो जाता है और ठंड जो है बहुत जल्दी गिर जाती है। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं बानलाता रिसॉर्ट और यहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया, मैं आपको पूरा एरिया घुमाता हूँ। तब तक गाइस ठंड जो है आ चुकी है तो मैं अपना हुडी भी पहन लेता हूँ, फिर मैं आपको ये एरिया घुमाता हूँ और फिर गाइस मैं आप लोगों को रेस्टोरेंट लेके चलता हूँ। पर भी देख सकते हो, आपको देख के लग ही रहा होगा कि ये मिट्टी का घर है, मगर ऐसा है नहीं बिल्कुल ही। जनरली गाइस यहाँ का जो टूरिस्ट प्लेस है वो है बिष्णुपुर, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे पुराने मंदिरों का मतलब है, तो उसके बारे में मैंने वीडियो बहुत पहले ही बना डाला था, जो मैंने फ़ोन से वो ब्लॉग बनाया था। उसके बाद है गाइस जयपुर फॉरेस्ट, और एक प्लेस है जो मैंने आपको कभी लेकर नहीं है, वो है गाइस जयरामबड़ी कमारपुकुर, वो थोड़े आरामबाग साइड में है, तो उधर मैं आप लोगों को कभी और लेकर चलूँगा। फिलहाल जो है गाइस यहाँ पर लोग रहते हैं बिष्णुपुर घूमने के लिए और जयपुर फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने काफ़ी हद तक आप लोगों को जयपुर फॉरेस्ट को जो एक्सप्लोर करके बताया, मगर पूरी तरीके से नहीं, कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको और भी करके बताऊंगा। सो गाइस ये बानलाता रिसॉर्ट का जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर काफ़ी कुछ एक्टिविटी हो रही है अंदर में, जो अब मैं आपको बता के एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लाइक इससे पहले मैंने कोयल बर्ड खाया था, वो कोयल बर्ड जब मैं एंट्री कर रहा था एक बड़ा सा पिंजरा में देख रहा था गाइस, बहुत सारा कोयल बर्ड है, तो वहाँ पर लोग आसनसोल के लोगों को तो बिल्कुल ही अनजान है कि कोयल बर्ड कैसे मतलब कहाँ मिलता है, यहाँ पर तो अवेलेबल है, बहुत भरा पड़ा है, अगर आप बोलोगे तो आपको साथ ही साथ बना के दिया जाएगा। और मेरे पीछे यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत ही पुराने तरीका है चावल को पीसने का, तो इसे चावल को पीसने के बाद बहुत अच्छे अच्छे खाना बनता है, हाँ अच्छा अच्छा डिश बनता है, तो वो पीसने के बाद आपको साथ ही साथ बना के आपके रूम में भी प्रोवाइड करने का यहाँ पर व्यवस्था किया गया है।
और गाइस मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ उस बड़े से पिंजरे के पास जहाँ पर मैंने दिखा गाइस कोयल बर्ड था काफ़ी सारा, सिर्फ कोयल बर्ड नहीं टर्की इवन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड जो खाया जा सकता है, जो लीगली खाया जा सकता है वो गाइस यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप ऐसा शौकीन रखते हो, ऐसा शौक रखते हो अलग अलग बर्ड का मीट खाना, तो यहाँ पर अवेलेबल है गाइस, आप आ सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं आपको वहीं पर लेके चलता हूँ, उसके बाद गाइस हम लोग डायरेक्ट रेस्टोरेंट चलेंगे क्योंकि एरिया वाइज बहुत बड़ा है, मैं आपको पूरा घुमा नहीं सकता क्योंकि धीरे धीरे जो है ठंड भी बढ़ रही है और रात भी हो रही है, तो भूख भी बहुत ज़ोर से लगा है क्योंकि मैंने लंच दोपहर से कुछ खाया भी नहीं है। सो गाइज ये है कोयल बर्ड जिसे खाया जाता है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे गाइज कोयल बर्ड हैं, मतलब यहाँ पर एक छोटा खासा मैं बोल सकता हूँ कि फार्मिंग हो रहा है। ये रहा बानालाता का मेनू कार्ड राइट, जो मैं आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ कि क्या क्या मेनू अवेलेबल है और उसके बाद गाइज हम लोग क्या क्या यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे तो गाइज मेनू जो है काफ़ी बड़ा है, आई थिंक मुझे चूज़ करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर भी गाइज मैं आप लोगों को एक अलग मेनू कार्ड का दिखा देता हूँ कि क्या क्या मेनू यहाँ पर अवेलेबल है। लोगों ने पूरा मेनू कार्ड देख लिया और गाइज मुझे मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी आइटम का प्राइस है वो कम है, लाइक एक दो आइटम जो मैं रेगुलर खाता है उसका प्राइस मैंने चेक किया, लाइक चिकन लॉलीपॉप हम लोगों ने ऑर्डर किया स्टार्टर में, उसका प्राइस है 150 रुपीज़ पर प्लेट, 6 पीस मिलेंगे। अभी देखते हैं गाइज कैसा पीस है और कैसा टेस्ट है, मगर प्राइस वाइज गाइज अभी तो मुझे कम लग रहा है, और चिकन 65 का भी प्राइस गाइज 150 रुपीज़ है, यहाँ पर बटर चिकन और भी सारे जो प्राइसिंग वगैरह है वो गाइज काफ़ी कम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक ही मात्र ऐसा कंपटीशन है इसका, मतलब अगर और भी कंपटीशन रहता तो बात अलग रहता, एक ही यहाँ पर ऐसा रिसॉर्ट है जहाँ पर इस तरह का फूड आइटम मिलता है, अदरवाइज पूरे बिष्णुपुर में आई थिंक नहीं मिलता होगा ये सब, खास करके इस जंगल एरिया में ये सब फूड यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो प्राइसिंग गाइज बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू आसनसोल। ये गाइज हम लोग का चिकन लॉलीपॉप रेडी हो चुका है और गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइस जो है 150 रुपीज़ पर प्लेट और क्वांटिटी में भी कोई कमी नहीं है, ज़्यादा ही मैं बोलना चाहूँगा, साइज़ भी गाइज एक एक पीस का देख सकते हो, ये आपको कहीं से भी देख के 150 रुपीज़ पर प्लेट नहीं लगेगा, तो मेरे हिसाब से गाइज ये जो प्राइस है इसका बहुत ही सस्ता है। अभी हम लोग इसे टेस्ट करके देखते हैं कि टेस्ट वाइज है कैसा है। टेस्ट वाइज गाइस अच्छा मैं बोलना चाहूँगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा है, बट टेस्ट वाइज इट इज़ गुड गाइस, क्योंकि चिकन थोड़ा हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है, और चिकन का ये गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर देख के लगता है कि चिकन को काफ़ी देर पहले, दिनों पहले इसे फ्राई करके रखा गया है, मतलब ये फ्राइड करके स्टोर किया गया है, उसके बाद गाइस इसे लॉलीपॉप किया है, बट टेस्ट वाइज गाइस बोलना चाहूँगा ठीक ही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा है, बट इट इज़ गुड, इससे पता चलता है कि गाइस चिकन को ना बहुत पहले ही फ्राई करके रखा गया है उसके बाद इसे पकाया गया है। उसके बाद गाइस हम लोगों ने मेन कोर्स में ऑर्डर किया है तंदूरी रोटी जिसका प्राइस है 20 रुपीज़ पर पीस, उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर किया चिकन फ्राइड राइस जिसका प्राइस है गाइस 150 रुपीज़ पर प्लेट, और गाइस हम लोगों ने ऑर्डर किया एक पनीर का आइटम, पनीर बटर मसाला, उसका भी प्राइस गाइस 150 रुपीज़ पर प्लेट, और एक ऑर्डर किया चिकन का आइटम चिली चिकन, उसका प्राइस आई थिंक 170 के आसपास था, मुझे याद नहीं आ रहा गाइस, मैं देख के और एक बार बताऊँगा। तो हम लोगों ने मेन कोर्स भी ऑर्डर कर लिया, सो ऑल ओवर गाइज मैं ऑर्डर करने तक अभी इतना ही बोल सकता हूँ कि जो प्राइस है गाइज वो रिजनेबल से भी कम है, मतलब गाइज मैंने अपना रिव्यू आप लोगों को दे दिया चिकन लॉलीपॉप का, और मैं अपने दोस्तों लोग से भी पूछ लेता हूँ कि उनको ये कैसा लगा। बाय द वे हमारे साथ यहाँ पर एक यूट्यूबर है जिसका चैनल का नाम है बॉन्ग राधुनी, ये चिकन लॉलीपॉप जो मैंने खाया पर उतना खास नहीं था, बुरा भी नहीं बोलूँगी और अच्छा भी नहीं बोलूँगी, मगर खाने लायक था। और गाइज मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है बॉन्ग राधुनी, मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है बॉन्ग राधुनी जिसमें मैं रेसिपीज़ वगैरह बनाती हूँ,
तो मैं कोशिश कर रही मैं अपनी वीडियो में अपनी चैनल में ये रेसिपी को बनाने का और दिखाने का। सो प्लीज़ आप लोग कभी आइए मेरे चैनल पे और देखिएगा मेरा इस रेसिपी को। गाइस मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, ये चिकन लॉलीपॉप खा के आई एम नॉट सेटिस्फाइड। और गाइस मैं आपको यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा, यहाँ पर जो होटल के स्टाफ है बट द वेटर के बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगा, यहाँ पर मैक्सिमम गाइस 90% जो है लेडीज़ हैं वुमन, तो ये एक बहुत ही एक अच्छा बात है गाइस। ये जो पूरा प्रॉपर्टी इनका जो भी ओनर है ये वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर यहाँ पर वुमेन लोग काम करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है खास करके गाँव साइड में। जो इन होटल या फिर रेस्टोरेंट जो भी रिसॉर्ट जो भी है गाइस, इन लोगों का जो स्टाफ है वुमेन हो चाहे मेन हो, इन लोगों का बिहेवियर गाइस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर है, तो आपको बिल्कुल ही अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा, चाहे आप बंगाली हो चाहे आप नॉन बंगाली हो चाहे आप किसी भी लैंग्वेज से हो, इन लोगों का जो बिहेवियर है काफ़ी फ्रेंडली है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये चिकन फ्राइड राइस, ये 150 रुपीज़ पर प्लेट का है गाइस, क्वान्टिटी देख रहे हो गाइस आप 150 रुपीज़ का चिकन फ्राइड राइस, चिकन तो जैसे बाहर गिर रहा है इसके ऊपर से लाइक चिकन। तो गाइस ये रहा हम लोगों का तंदूरी रोटी। सो तंदूरी रोटी जनरली क्या होता है, काफ़ी सॉफ्ट है और बहुत ही ये है। तंदूरी रोटी में जनरली क्या होता है, आटा और मैदा को मिक्स करके बनाया जाता है, मगर यहाँ पर मुझे लगता है मैदा का क्वांटिटी ज़्यादा है जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सादा है और सॉफ्ट है। लेट्स सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ पर बटर तंदूरी और सॉरी तंदूरी प्लेन तंदूरी रोटी और चिली चिकन को ट्राई करके देखते हैं गाइस कि कैसा बना है। यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि चिकन चिली चिकन जो है उतना भी खास नहीं है, हम लोगों ने लगता है गलती कर डाला गांव साइड में चाइनीज़ ऑर्डर करके, बट जो भी है इसमें तो पहला बात है गाइस ना तो तीखा है ना ही नमक है, ऊपर से ग्रेवी जो है गाइस बहुत ही पतला है जिस वजह से आई थिंक नमक जो है बहुत ही कम हो गया है, ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतला है, बट ठीक है तंदूरी रोटी के साथ ग्रेवी तो चाहिए, नमक थोड़ा कम हो गया तो नमक तो मैं ऊपर से ऐसे डाल लूँगा, मगर तीखा का और टेस्ट का क्या करें इसमें, जो भी है गाइस हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, इतना भी ख़राब नहीं बना है, तंदूरी रोटी के साथ ये खाया जा सकता है। अभी गाइस हम लोग बटर चिकन को सॉरी बटर पनीर को ट्राई करते हैं। ये हम लोग गाइस बटर पनीर, तो फटाफट गाइस बटर पनीर को भी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पनीर तो गाइस काफ़ी सॉफ्ट है, आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट है, गर्म है, ऑसम गाइस, और ये क्वांटिटी में भी काफ़ी ज़्यादा है, हम चार लोगों के लिए ना लोग दो मेरे साथ उपेन, तो ये जो क्वांटिटी है गाइस बटर पनीर मसाला का बहुत ही ज़्यादा है। टेस्ट वाइज गाइस मुझे ये सुपर लगा बटर पनीर, बट मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा चिली चिकन जो उतना खास नहीं था, थोड़ा सा और तीखा, थोड़ा कम ग्रेवी और थोड़ा सा नमक होता, यहाँ पर नमक बिल्कुल ही कम है, तीखा भी नहीं है, अदरक का भी स्वाद नहीं आ रहा है ना के बराबर। अब गाइस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये चिकन फ्राइड राइस जो कि 50 वो उसका भी प्राइस गाइस 150 रुपये, 150 रुपये प्लेट में फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, ऊपर से गाइस क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा, हम लोग चार लोगों के लिए तो इनफ था आई थिंक, ऊपर से हम लोगों ने तंदूरी रोटी भी ऑर्डर किया क्योंकि तंदूरी रोटी हम लोगों को बहुत पसंद आया। और गाइस अब ये फाइनली इसे ट्राई करते हैं, पहले तो इसे ऐसे ही ट्राई करते हैं, चिकन चिली तो है ही, अब जो नून शॉर्ट है हाँ गाइस, यहाँ पर जो फ्राइड राइस है उसका टेस्ट तो सही है, इसके साथ काफ़ी मतलब चिकन में जो चिकन देने में कोई भी कंजूसी नहीं किया गया है, वेजिटेबल्स देने में कोई भी कंजूसी नहीं किया गया है, सब सही है, ऊपर से ब्लैक पेपर दिया गया जिसके वजह से जो फ्राइड राइस है टेस्ट वाइज बहुत अच्छा लगा, मगर एक गाइस इसमें नेगेटिव पॉइंट है वो है गाइस इसमें नमक का क्वांटिटी पर हर खाने में नमक कम है, तो यहाँ पर फ्राइड राइस में गाइस नमक कम है, तो नमक ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, नमक हम लोग ऊपर से डाल के खा सकते हैं। उसके बाद गाइस आई होप कि ये टेस्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मगर यहाँ पर मुझे चिली चिकन उतना सही नहीं लगा और चिकन लॉलीपॉप, बाकी सब आइटम गाइस बहुत ही मस्त है, खास करके मैं बोलना चाहूँगा चिकन सॉरी पनीर मसाला बटर पनीर मुझे बहुत ही पसंद आया। पेपर
सो गाइस यहाँ पर हम लोग का टोटल जो बिल है वो गाइस वो 777 मतलब 777। आई होप मैं आपको दिखा पाऊँगा 777 रुपीज़ गाइस। तो प्राइस गाइस बहुत ही कम है चार लोगों के लिए। जो बिल है वो 740 का है। टोटल जो बिल हुआ यहाँ पर हम लोगों का ऑल टोटल 777 रुपीज़ ओनली चार लोगों के लिए। खाना गाइस ऑल ओवर का एक्सपीरियंस मैं आपको बोलना चाहूँगा, खाना बहुत सही था मगर चाइनीज़ का आइटम थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा कुछ कुछ मामलों में, बाकी सब गाइस खाना जो ऑल ओवर था बहुत सही था। सो आई होप गाइस यू लाइक द वीडियो। अगर आप वीडियो को लाइक करो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। सो गाइस धीरे धीरे रेस्टोरेंट का जो है भीड़ बढ़ गया, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा गाइस आपको लोग बोला अभी जो है टूरिस्ट सीज़न चल रहा है, अभी मुझे नहीं लगेगा तो भीड़ बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है तो टूरिस्ट लोग बाहर से आ रहे हैं। और गाइस खाना जो है बिल्कुल सही था। मैं सिर्फ आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि चाइनीज़ आइटम को थोड़ा अवॉइड करना। मैंने पूरा चाइनीज़ लिस्ट नहीं खा के देखा है मगर जितना भी चाइनीज़ ऑर्डर किया उतना नहीं अच्छा था, सेटिस्फाइड मैं नहीं हूँ चाइनीज़ खाने से। मुझे बटर पनीर मुझे बहुत पसंद आया, तंदूरी रोटी गजब था। आई थिंक यहाँ का जो देसी आइटम है चिकन कसा ये सारे आइटम बहुत सही बन सकते हैं आई होप, मगर चाइनीज़ आइटम उतना भी सही नहीं है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो। इस चैनल पे गाइस अगर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं इस तरह का वीडियोस लाते रहता हूँ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।